ला सलाम अलैकुम। जीने क्या किया बेलिया, जीने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, यू ना करो तुम मुझसे प्यार, यू ना करो तुम मुझसे प्यार। अदनान अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सादिया जी, आप पाकिस्तान आ गई। बहुत शुक्रिया जी, वरना मैं डंकी ला के जर्मनी आने लगा। ये ना करिए, बहुत अल्लाह का शुक्र है मेरा एजेंट फराटिया निकलिया। क्या बात है, सच में मैं डरता हूँ शीशा देख के। मैं डरता हूँ हमारी आने वाली नस्लें जिन चीजों से महरूम होंगी उनमें से एक है खुशगवार यादें। बिल्कुल, यादों को खुशगवार बनाते हैं लोग। बिल्कुल। और अब किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं, और जिंदगी में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब खुशगवार यादें इंसान का सबसे बड़ा खजाना होती है, मगर अब किसी के पास वक्त ही नहीं। बेशक, वाह 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 वाह, ये भी बड़ी मुश्किल टाइम कट के आया। इन्हें 3 बजे ट्रेन थले आना सी। वो तो ट्रेन लेट हो गई, ये टाइम ना पहुंचे। माजी तुझसे हाल मेरा शर्मिंदा है, जीना क्या है ना जाने जो जिंदा है, जिंदा है। तुम्हें अगर इशार दिखाई देते हो देखो क्या फिर होने वाला आइंदा है। जिंदगी बन न जाए रात अंधेरी, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, सादिया जी इफ यू डोंट माइंड गौर से मेरी तरफ देखें, कुछ याद आया आपको? पार्क में बैठे हुए थे आप, तो एक आवाज नहीं आई थी, पापड़ करा रहे। कुछ याद नहीं आया जी? जी बड़ा ही बुरा वक्त याद। माइकल, माइकल स्कूल में आपने मारा था जिसको, ये भी याद है? टांग कैसे जुड़ गई तुम्हारी? क्योंकि मेरे भाई ने तोड़ी थी माइकल की टांग। ये क्या हुआ था? स्कूल में लड़कियां जब आती जाती है आपको पता है छेड़छाड़ तो चलती है, तो वो एक ट्रेलर टाइप की वो बाइक सी होती जो करके ना, वो एक लड़का लेके, माइकल माइकल उसका नाम था, तो वो मैंने एक दिन घर जाके मैंने कहा भाई वो एक लड़का है बहुत तंग करता है, तो मेरे भाई ने मुझे हाथ कहता है प्यारी बहन है मेरी कोई मसला नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि तुमने कुछ किया होगा या तुमने कुछ किया, मेरी कह के चला गया। मैं कहा अम्मी मैं शिकायत लगा रही हूँ सुनते नहीं है मेरी। मैं रोद होके बैठ गई। आलिया ने कहा था ये जो तुम्हारा हाथ में बैड नुमा तुमने एक बस्ता लिया था मुझसे खरीदवाया था इतने पैसे, ये मार दिया करो, ये इसीलिए है मारा करो पकड़ के, डरती किससे हो? तो वो एक कॉन्फिडेंस आपको घर से मिल जाता है कि अच्छा जी ये तो अब पीछे मेरे घर वाले खड़े हो गए ना। अगले दिन फिर हम सुबह निकले तो वो फिर ट्र करके मैंने उठाया उसके वो डाला मैं टक करके मारा, बस ये मैंने करना था इमरान। उसके बाद मेरे भाई का हाथ मेरे शोल्डर पे आ गया। ओए फिल्मी डन 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 भाई, ये था गार्डन कॉलेज के लड़के सारे, और आप सोचे सब कहते थे भाई के एक दोस्त थे आमिर भाई, उनको सब मुझे उन्हीं की बहन समझते थे। हसन मेरे भाई का नाम है और आमिर उनके दोस्त का नाम है, राजा आमिर की बहन है, राजा आमिर की बहन है। राजा साहब, राजा आमिर इतने मशहूर वो थे, इतना मारा था गार्डन कॉलेज के लड़कों ने उसको, उसकी टांग टूट गई थी, और वो अगले दिन बाजी मुझे माफ कर दे, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और नहीं वो की गलती था डीसी की मैडम। क्या? मैं क्यों दसा क्या गलती थी उनकी? लड़कियां गलती मानती नहीं है सच में। अच्छा, मैंने एक वो रात इनकी शक्ल गौर से देखे और बताए गलती मेरी हो सकती है। मैडम लड़कियां जो है ना गलती नहीं मानती। मैंने रात को पढ़ा है कि दो मियां बीवी गाड़ी पे जा रहे थे तो बेगम चिल्ला रही थी आगे दीवार है, आगे दीवार है, गाड़ी दीवार में लगी, दोनों अस्पताल, और बेगम गुस्से से कह रही है मैं कब से तुम्हें बोल रही थी आगे दीवार है दीवार है। हामिद कहता बेगम गाड़ी तो तुम चला रही थी। Yeah.
आप सही कह रहे हैं, गुड है। लड़कियां गलती नहीं मानती, नहीं मानती, लेकिन आपकी तरफ देखकर मुझे होस्ट बनने का भी बड़ा शौक पैदा हुआ। लेकिन ये होस्ट बन गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। आप इन्हें एज ए होस्ट देखना चाहते हैं? हाँ। तो हमारी सीनियर होस्ट है। आइए जरा इधर एक मिनट। अरे ना, क्या हो गया? अरे प्लीज आइए, प्लीज आप हमारी सीनियर हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? आइए प्लीज तशरीफ रखिए और मैं वहाँ बैठता हूँ। हाँ जी, यहाँ बात। ये तो मेरा अरमान पूरा होने वाला है। अरे क्या, तशरीफ रखिए प्लीज। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी क्योंकि आज मैंने आप लोगों को मिलवाना है एक ऐसे शख्स से जिसकी मैं खुद बड़ी फैन हूँ। अरे हाँ, मेरा वो प्यारा है, वो निराला है, वो हम सबका भोला है, वो हम सबका लाडला है, वो हम सबका भरपूर तालियों में इमरान अशरफ है। एक सेकंड बैठ जाइए, मुझे खुशी होगी। बैठिए। अरे वाह, क्या बात है जी। जी जी, बात कीजिए। इमरान, जब आपको ये इतना कैरेक्टर जब मिला भोले का, हाँ जी, और आपने पढ़ते हुए सोच लिया था कि ये इतना ही हिट हो जाएगा जितना हिट हो गया? देखिए, जब इंसान को भूख लगी होती है ना, चाहे उसकी जेब में 200 रुपए हो, वो कोई दाल रोटी ही खरीद सकता है, ख्वाब उसके सबसे महंगी डिश के होते हैं। बिल्कुल। चाहे मैं कोई नॉर्मल सा किरदार किया करता था जिसमें मेरे 10 से 12 सीन होते थे, सही करता मैं इसी नियत से था और दुआ से था कि या अल्लाह इसको इतना ही हिट कर दे जितना भोला हुआ। वो नियत उसमें दिखी भी है। दिखी भी है, लेकिन आपकी नियत साफ होती तो आप इतने ही हिट होते हैं। आप बहुत अच्छी लग रही है सीट पे यार, वैसे तालियां सारे हो गए। तालियां। ये कुछ पूछना चाह रहे इमरान आप, जब पूरी छींक आती है इसका मतलब है कोई याद कर रहा है। मुझे सिर्फ आधी छींक आती है, वो याद करने लगता है तो उसको आपकी शक्ल याद आती है, वो फौरन वापस चला जाता है। साजिद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मेरी खुश नसीबी है कि आप एक, मैं जूनियर हूँ आपका, आप मेरी कुर्सी पे आकर बैठी, मैं खुशी हूँ। सो मच। लोग बड़े मुश्किल से अपनी कुर्सी देते हैं और इतना ही बेधड़क जब आर्टिस्ट होता है तो वो अपनी कुर्सी आराम से दे देता है, उसे पता होता है ये कहीं नहीं जाएगी। मैडम, आपकी दिलकशी के लिए कुछ लिखा है क्या? उसमें क्या और दिलकशी क्या है? उसमें क्या और दिलकशी क्या है? दिल की धड़कन की बेकली क्या है? आस जागी नहीं अगर दिल में हल्की हल्की सी रोशनी क्या है? फिर से दिलो दिमाग पे छा जा, एक बार आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, हेलो। जी जी, मैं थोड़ी देर तक फोन कर रहा हूँ जी। उधर उधर जा, दफा हो, एक बार आ जा।